उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बिल्कुल करीब मोहनलालगंज में है। हमारे साथ तमाम लोग हैं मोहनलालगंज के निवासी हैं। किसको अपना सांसद चुनेंगे और क्या होंगी उनकी प्राथमिकताएं, सबसे पहले जानेंगे। यहाँ के निवासी हैं दादा, किसको चुनने जा रहे हैं आपकी बार? आपके हम सील वर्मा गठबंधन। भाजपा तमाम दावे और वादे करती है कि हमने काम किया। बिल्कुल झूठे वादे, इसमें कोई सत्यता नहीं। कहते हैं गैस सिलेंडर बांटे हैं, लैट्रीन बनवाई हैं और तमाम तरीके के काम किए हैं। गैस सिलेंडर जब बांटे हैं उन्होंने, अगर मान लीजिए तो जब गैस थी 450 की, अब बन रही है 900 की, तो उसमें क्या फायदा है जनता का? कोई फायदा नहीं। अच्छा दादा, सेना अपनी कार्रवाई करती है और लगातार उसका फायदा, चुनावी फायदा ले रहे हैं मोदी जी, क्या कहना है जनता का? ये तो गलत है, उनको ये कहना ही नहीं चाहिए मोदी जी को कि यानी हमने यानी स्ट्राइक किया, फलाना किया, धमाका किया, क्योंकि पिछली भी सरकारें आई और मिलिट्री का जो काम है वो करेंगी। अरे इनका इसमें इनका कोई वो महत्व नहीं। बिल्कुल मिलिट्री का काम है देश की सुरक्षा करना और दुश्मनों को जवाब देना। हमारे साथ लोग और मौजूद हैं। क्या प्राथमिकता है कि मोदी का चेहरा भी है, मोदी का काम भी है, तो क्या मानना है? मोदी कोई काम बोलता तो जो शिक्षा और यहाँ व्यवस्था है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हर मामले में फेल है। अच्छा, लगातार एक समस्या लोगों की है कि भाजपा के सांसद लोगों के बीच में नहीं आते, लगातार सूट बूट की सरकार कहा गया विपक्ष के द्वारा, तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी और क्या मानना है? देखिए, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा विकास कार्य का है, क्योंकि हम लोग विकास में विश्वास करते हैं। आप देखिए, जब जब प्रदेश में हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, चौमुखी प्रदेश का विकास हुआ है। और जो विकास को लेकर के जिस गठबंधन को जनता ने स्वीकारा है, जनता के विश्वास में तोड़ूंगा और निश्चित रूप से हमारा गठबंधन सारी सीटें जीत रहा है और इसी गठबंधन से हमारी केंद्र की सरकार बनेगी। आप देखिएगा जिस तरह प्रदेश का विकास हमारी सपा बसपा सरकार द्वारा किया गया है, उसी तरह आप देखिएगा नया भारत, नए भारत का निर्माण होगा। तो याद करें 2014 का चुनाव, तो लगातार गुजरात मॉडल की बात होती थी, विकास की बात होती थी, लेकिन आज राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्त, ये सब मुद्दे आ गए, क्या मानना है? ये तो चुनावी झूठे वादे हैं, बाकी देखा जाए जनता के प्रति अगर समर्पित है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी खाली झूठ की बातें करती है। वास्तविक देखा जाए देश में यदि विकास की बात, तो जितना विकास बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी कौन जीतेगा, भाजपा या गठबंधन? गठबंधन। लगातार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी देश की सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन आम जनता की राय इससे अलहदा है और जनता का साफ तौर से मानना है कि आपकी बार गठबंधन देश की सत्ता पर काबिज होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजीव कपासिया, मोहनलाल।